फ्रेंड्स, अब आज बनाते हैं स्ट्रीट वाली पाव भाजी। बिल्कुल स्ट्रीट जैसी बनेगी ये पाव भाजी हमारी। हेलो फ्रेंड्स, पाव भाजी सबकी ही फेवरेट होती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पाव भाजी बहुत पसंद होती है। ये एक स्ट्रीट फूड है। आज इसको हम स्ट्रीट फूड की तरह ही बनाएंगे। आपको कितनी पसंद आती है जब आप कहीं बाहर जाते हैं और पाव भाजी खाते हैं, तो आज वैसे ही बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने बटर ले लिया है। बटर खूब सारा लेंगे और उसके बाद हमने बारीक प्याज कटी हुई डाल दी है। दो प्याज डालते हैं, एक बारीक कटी हुई रख देते हैं। अब हम प्याज को चलाते हैं। थोड़ी देर प्याज को भून लीजिए। थोड़ी देर प्याज को भूनने के बाद इसमें एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची डालेंगे। अब शिमला मिर्ची और प्याज दोनों को भूनिए बटर में। थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो प्याज अच्छे से बटर में पक जाएगी, शिमला मिर्ची भी पक जाएगी। प्याज को अच्छे से पका रहे हैं क्योंकि उसकी स्मेल नहीं आनी चाहिए, बाद में उसका कच्चापन नहीं रहना चाहिए। इसको हम वापस चलाते हैं और ऐसे ही जब पक जाए, आपको आवाज़ आ रही है इस तरीके की पक जाए, तो अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई 3 से 4 और अच्छी लाल टमाटर। इससे कलर अच्छा आएगा और स्वाद भी अच्छा आएगा। टमाटर हमने डाल दिया है और वापस इसको चला देते हैं। थोड़ी देर इसको टमाटर सहित भून के और फिर इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं। इसमें डालते हैं अब नमक, जीरा और डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी काली मिर्ची और डालेंगे धनिया, सूखा धनिया थोड़ा सा डालेंगे। काश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पे लेना है। उसमें मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है और उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे और एक पेस्ट बनाकर इसका हम रखते हैं। काश्मीरी लाल मिर्च तेज़ नहीं होती है, सिर्फ कलर देती है, इसलिए यहाँ पे 2 से 3 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसमें मटर डाल दी है। मटर डालने के बाद इसको फिर से हमने चला दिया है और इसमें अब काश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं और वापस सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल दीजिए और डालिए मैश किया हुआ उबला हुआ आलू। यहाँ पे हमने 3 आलू लिए थे और टमाटर भी 3 से 4 लिए थे। अब बचा हुआ पानी और काश्मीरी लाल मिर्च का जो हमने बनाया था लिक्विड, वो भी डाल दिया है इसमें हमने। अब तेज आंच पर इसको भी मैश करते जाइए साथ में। पाव भाजी मैशर आता है मार्केट में, इजीली मिल जाता है, उससे मैश कर रहे हैं यहाँ पर हम। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और पाव भाजी के मैशर से इसको मैश करते जाएंगे। थोड़ा हरा धनिया हमने और ऐड कर दिया है यहाँ पर और डाला है 1.5 चम्मच पाव भाजी मसाला। ये लगभग 4 लोगों के लिए पाव भाजी बन रही है, तो क्वांटिटी आप अगर इसी अनुसार रखेंगे तो आपकी पाव भाजी एकदम परफेक्ट बनेगी। और हमने यहाँ पे बटर भी खूब सारा लिया है। अब फिर से थोड़ा सा हमने बटर इसमें ऐड किया है और फिर से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने अनुसार रख सकते हैं। पाव भाजी मैश करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जब आपको कोई भी सब्जी सॉलिड ना दिखे तो समझ लीजिएगा कि अच्छे से मैश हो चुकी है। इसमें थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च एंड में अब हम थोड़ी सी ऐड करते हैं और 1 नींबू का रस हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। जब भी पाव भाजी बनाएं तो बर्तन थोड़ा बड़ा सा ही लें। आप बाद में भी ऊपर से नींबू का रस डाल के खा सकते हैं और कटी हुई प्याज ऊपर से डाल के खा सकते हैं और बारीक धनिया भी काट लीजिए और ऊपर से बटर लगाकर सर्व कीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ही इसको हम मैश करते जाएंगे तो बहुत अच्छी मैश होगी उससे ये। नमक आप चख लीजिए और स्वाद अनुसार इसमें नमक प्रॉपर कर लीजिए। पाव भाजी लगभग तैयार है। ये देखिए कंसिस्टेंसी ऐसी हो तो सही रहेगा। अब इसको सर्व करते हैं हम। ये देखिए कितनी बढ़िया पाव भाजी तैयार है। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ये ऊपर से हमने अब बटर डाल दिया है। गरम गरम पाव भाजी पाव के साथ परोसेंगे। अब पाव ले लेते हैं और पाव को इस तरह से काट लीजिए। एक तवे पर फैला लीजिए थोड़ा सा बटर। बटर पाव बनाने के लिए हमने यहाँ पे बटर डाला है, इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए और थोड़ी सी पाव भाजी की भाजी डाल दीजिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और पाव बहुत दिखने में सुंदर लगेंगे। पाव को सभी चीज़ों में अच्छे से मिला दीजिए और दोनों तरफ से थोड़ा सा सेक लीजिए। एक में थोड़ा सा बटर कम लगा है तो हम थोड़ा सा लगा देते हैं और उसके ऊपर धनिया की गार्निशिंग भी कर देते हैं और इसको भी वैसे ही सेक लेते हैं। दिखने में जितने सुंदर लग रहे हैं खाने में उतने ही टेस्टी लगेंगे और सॉफ्ट भी लगेंगे। ऊपर से धनिया की गार्निशिंग फिर से कर दीजिए और लीजिए पाव भाजी तैयार है। आप हमारी रेसिपी को लाइक ज़रूर करिए और लोगों से शेयर भी करिए। ये स्ट्रीट पाव भाजी घर पे ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको अगली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।